नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीटी बैंक चेंज के बारे में। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर अपना बैंक में डीबीटी चेंज करने के लिए आप फॉर्म यहाँ पर जमा कर देते हैं, बार बार आप फॉर्म जमा कर देते हैं, तब पर भी आपका डीबीटी लिंक बैंक चेंज नहीं होता है। अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट को भी क्लोज करवा दिए, तब पर भी जब आप उसका स्टेटस चेक करते हैं तो पुराना वाला ही बैंक आपका एक्टिव शो करता है डीबीटी लिंक में। तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन करना है दोस्तों, आपको किस प्रकार से आप ऑनलाइन बिना बैंक गए हुए अपने डीबीटी लिंक बैंक को चेंज कर सकते हैं, तो किस प्रोसेस से करना है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसी में ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना डीबीटी बैंक चेंज करना चाहते हैं, आप बैंक में बार बार फॉर्म जमा किया यहाँ पर फॉर्म जमा कर देते हैं और आपका तब पर भी डीबीटी बैंक नहीं बदलता है, और अपना जब बैंक भी बदल बंद कर देते हैं तब पर भी आपका डीबीटी लिंक बैंक आपका वही इनएक्टिव दिखता है। आप जब यहाँ पर बैंक लिंक स्टेटस जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपका इनएक्टिव शो करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना आपको उसके लिए आपको सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है NPCI, ये लिखकर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पर देख देंगे NPCI का पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन शो करता है, फिर आपको एक कंज्यूमर का, आपको इसी कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो जाता है, पॉपअप शो करता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसी पे क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपका जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर यहाँ पर आधार में आपको क्या करना है, अगर आप लोगों का यहाँ पर डी सीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर डीबीटी लिंक हटाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, उस बैंक से हटाना चाहते हैं, अगर आप लोग सीडिंग करना चाहते हैं सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जिस बैंक में आपको सीडिंग करना है तो आप उस बैंक को आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। अभी यहां पर फिलहाल 5 बैंक को ऐड किया गया है, जैसे आपका कैनरा बैंक में, अगर आप लोग क्या करना है कैनरा बैंक में आप यहां पर लिंक करना चाहते हैं, कोई और बैंक से कैनरा बैंक में लिंक करना चाहते हैं तो आपको कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लेना, और आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर इनएक्टिव दूसरे बैंक से इनएक्टिव, जैसे आपके यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक इनएक्टिव है और आपको कैनरा में यहाँ पर लिंक कराना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर थर्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है मूवमेंट फॉर ऑन बैंक टू अनदर अदर बैंक, ये सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, यहाँ भी कंसेंट दीजिएगा, और फिर ये जो कैप्चा मिल रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया जाता है, उस OTP को जैसे यहाँ फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट आई मिल जाता है, उस रिक्वेस्ट आई को यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और चेक योर सर्विस स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से अपना उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट सीरियल आईडी, यहाँ पर आप सीडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी डेट को आप सीडिंग यहाँ पर लिए रिक्वेस्ट डाले से उस डेट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या सीडिंग टाइप में क्या किए थे हम मूवमेंट फॉर्म ऑन बैंक टू अदर बैंक ये सेलेक्ट किए थे, और जो भी आपका रेफरेंस आई डी मिला हुआ उस रेफरेंस आई डी को यहाँ डालेंगे, ये कैप्चा डाल के यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस शो कर दिया जाएगा कि आप जो यहाँ पर सीडिंग कराए वो सक्सेस हुआ या पेंडिंग हुआ। दोस्तों अगर आप लोग का इस तरह से यहाँ पर आपका जो बैंक यहाँ पर लिंक रहेगा और यहाँ पर आपका इनएक्टिव शो कर रहा है, अगर इनएक्टिव शो कर रहा है तो उसको इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप इसी बैंक को एक्टिव करना चाहते हैं जो बैंक आपका है और इनएक्टिव है इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग में, आपको यहाँ पर वही बैंक सेलेक्ट करना होगा और आप एक्टिव करना चाहते हैं तब, और आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन बैंक है इसको छोड़कर किसी और में करना चाहते हैं तो आपको जो अभी हम प्रोसेस बताएं उस बैंक को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका सीडिंग टाइप में आपको थर्ड नंबर सेलेक्ट करना है मूवमेंट फॉर द बैंक ये सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप लोग का इन पाँचों में से कोई और बैंक है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नया ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको लिखना है रिशुराज, आपको लिखना है हम चलिए आपको दिखाते हैं rishuraj.com, ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाता है रिशुराज टेक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने बाद इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है 15, यहाँ पर लिखना है बैंको, ये लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं 15 बैंकों में आधार डीबीटी ऑनलाइन लिंक होना शुरू, इस वाले आर्टिकल पे आप क्लिक करेंगे। इस वाले आर्टिकल पे क्लिक करने बाद आपके सामने यहाँ पर
टोटल 15 बैंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर जो 15 बैंक में आप यहाँ से डीबीटी एनपीसीआई को दोस्तों लिंक करते हैं। पर 15 बैंक भी दिया गया है यहाँ पर, जो इसमें 5 बैंक है, इस 5 को यहाँ पर छोड़कर यहाँ पर 15 बैंक और भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस 15 बैंक में भी अपना डीबीटी लिंक करा सकते हैं। आप लोग का इनएक्टिव है तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसको एक्टिव करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग का यहाँ पर 5 में से और भी कोई बैंक है तो आपको इस प्रोसेस से अपना कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इनएक्टिव जो आप शो कर रहे हैं, आप बैंक जाकर बार बार थक जाते हैं अगर यहाँ पर इनएक्टिव शो करता है, तो उसे इस प्रकार से एक्टिव यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर बैंक जाकर बार बार थक गए हैं, अगर आप लोग बैंक वाला फॉर्म जमा भी कर देते हैं तब पर भी आपका इनएक्टिव शो करता है, उसको एक्टिव नहीं करता है, तो इस प्रोसेस से आप अपना इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।